हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। आरंभ से ही राजा भूत के बुद्धि बड़ी प्रखर थे। वे गंभीर स्वभाव के थे, उनके बुद्ध के भाव जम गए थे। एक बार उनके पिता विक्रम के दरबार में उनके पड़ोसी राजा ने 3 मूर्तियां भिजवाई और उनसे निवेदन किया कि वे एक मूर्ति अपने पास रख लें और बाकी दोनों मूर्तियां वापस कर दें। विक्रम को जम उन तीनों मूर्तियों का फर्क समझ नहीं आया तो उन्होंने राजकुमार भूत से उनका राज जानना चाहा। राजकुमार भूत ने उसी रात्रि में ही उनका राज मालूम कर लिया। उन्होंने बाकी दोनों मूर्तियां लौटा दी और एक मूर्ति अपने पास रख ली। उन्होंने अपना दृष्टिकोण एक सम्मेलन में रखने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण सभासदों के सामने रखा। सभासदों को उनके बयान पर कोई भरोसा नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए उस मूर्ति के कान में एक लकड़ी डाली तो वह बाहर निकल गए। उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो किसी चीज को जानने पर भी अपने मन में नहीं रख सकते हैं, दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोगों को नहीं अपनाना चाहिए। जो लोग किसी चीज को जानने पर भी अपने मन में रख लेते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं बताते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए और उनको अपनाना चाहिए। उनके तर्क ने वहाँ के सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और सभी लोग उत्साह रह गए। बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ शिक्षा मिलने लगती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अभिमन्यु को भी माँ के गर्भ से शिक्षा मिली थी, लेकिन समय के हेर फेर के कारण आज हमारे बच्चों को घर में उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती है। हमें उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश की प्राचीन प्रथा के अनुसार पहले विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती थी। बच्चों की मानसिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा काम के द्वारा मिलती थी। यह शिक्षा बच्चों को घरों में ही मिल जाया करती थी और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग ऋषियों और मनुष्यों के आश्रमों में जाया करते थे। ऋषि आश्रमों में सब तरह की शिक्षा का अध्ययन होता था। जहाँ तक कि धनुष बाण चलाने की शिक्षा भी मिलती थी।
सामने इस कला में वर्किंग प्रवीणता का सीखे। हम देखते हैं कि पांडवों को भी धनुष बाण की शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, लेकिन आज ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को संस्कृत का भान कराते हुए आज के आधुनिक शिक्षा का भी पान कराएं। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी संस्था के कर्णधारों ने कई वर्षों से इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और आपकी सेवा से लोग प्रसन्न हैं।